हेलो गाइस, मैं हूं राकेश महमूद और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग लीकेज फ्लक्स, कि लीकेज फ्लक्स को जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह से कम किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीकेज फ्लक्स क्या है। तो लीकेज फ्लक्स को समझने के लिए हम इस डायाग्राम को देखेंगे। इस डायाग्राम में अगर हम देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग के गिर्द भी फ्लक्स है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने से प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा हुआ है, और इसी तरह जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के गिर्द भी फ्लक्स है, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगाने से जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वो पैदा हुआ है। अगर हम फ्लक्स की बात करें, अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ पर अगर प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जो है वो लिंक कर रहा है, और प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच पा रहा, बल्कि वो रास्ते में ज़ाया हो रहा है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग की जो साइडों वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उनको देखें, जिसको मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं ये सेकेंडरी तक नहीं पहुँच पा रही, ये जो हैं ये रास्ते में ज़ाया हो रही हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कुछ फ्लक्स जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है जी। अगर हम दरमियान वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करें, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ये जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं कर रही। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग की भी जो साइडों वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उनको हम देखें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं कर रही, बल्कि ये भी क्या है, रास्ते में ज़ाया हो रही है। तो ये जो ज़ाया होने वाला फ्लक्स है, ठीक है जी, इसको हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं, और वो फ्लक्स जो दोनों वाइंडिंग्स के साथ लिंक करता है। अगर हम दरमियान वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को देखें तो इसका रबता जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ भी बन रहा है, और इसका रबता जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी बन रहा है। तो वो फ्लक्स जो दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक करता है, इसको जो है वो म्यूचुअल फ्लक्स का नाम देते हैं, और वो फ्लक्स जो सिर्फ एक वाइंडिंग के साथ लिंक करता है, इसको हम लीकेज फ्लक्स का नाम देते हैं। तो ये लीकेज फ्लक्स जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग में भी हो सकता है, ये जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी हो सकता है, ठीक है जी। प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स वो होगा जो प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाएगा, वो प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स होगा। और सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का वो फ्लक्स जो प्राइमरी तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है जी, बल्कि वो क्या रहेगा, सेकेंडरी तक ही महदूद रहेगा, वो जो है सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स होगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोशिश की जाती है कि जो लीकेज फ्लक्स है वो कम से कम वाकया हो, क्योंकि लीकेज फ्लक्स की वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स जो हैं वो रिएक्टेंस उनके अंदर जो है वो पैदा होती है। तो रिएक्टेंस पैदा होने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, उसकी रेगुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ट्रांसफार्मर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनके अंदर जो लीकेज फ्लक्स है वो कम से कम वाकया हो। तो लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए क्या तरीकाकार है, इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली लीकेज फ्लक्स को कम करने के जो हैं वो चार तरीके हैं। इसमें जो पहला तरीका है वो है मेकिंग द ट्रांसफार्मर विंडो लॉन्ग एंड नैरो, के ट्रांसफार्मर की विंडो को जो है वो नैरो, यानी कि उसकी चौड़ाई को कम करके और उसकी लंबाई को जो है वो बढ़ा कर जो है ट्रांसफार्मर के लीकेज फ्लक्स को जो है वो कम किया जा सकता है। दूसरा तरीका कार है अरेंजिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कॉन्सेंट्रिकली। इसी तरह से तीसरा तरीका है सैंडविचिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को सैंडविच तरतीब से जो है उसको लीकेज फ्लक्स में कमी की जा सकती है। उसके बाद है यूजिंग द शेल टाइप कंस्ट्रक्शन, के ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो कोर टाइप ना बनाई जाए, वो शेल टाइप बनाई जाए, तो उससे भी जो है लीकेज फ्लक्स में कमी वाकया होती है। तो इन तमाम मेथड्स को हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेकिंग द ट्रांसफार्मर विंडो लॉन्ग एंड नैरो, यानी कि ट्रांसफार्मर की विंडो जो है उसको लंबा और बारीक बनाकर जो है लीकेज फ्लक्स में कमी की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की विंडो जो है वो हकीकत में है क्या। तो डायग्राम में अगर हम देखें
तो डायग्राम में ये जो दरमियान वाला खाली हिस्सा नज़र आ रहा है ये जो है कोर की विंडो है, ये जितना दरमियान वाला हिस्सा है ये सारा का सारा खाली है, इसको जो है वो विंडो का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, मैंने इसको ब्लॉक के अंदर जो है वो हाईलाइट कर दिया है कि दरमियान वाला जितना हिस्सा है वो खाली है। ठीक है जी, वो कोर उसमें नहीं है। तो ये क्या है जी, ट्रांसफार्मर की विंडो है। तो विंडो को जो है हमने क्या करना है, बारीक करना है। बारीक किस तरह से करना है कि इसकी चौड़ाई के अंदर कमी करें, और जितनी चौड़ाई के अंदर कमी करेंगे उतना जो है कोर की विंडो की लंबाई में इजाफा कर देंगे। तो चौड़ाई में कमी करने से क्या होगा, ट्रांसफार्मर की जो दोनों लिम्ब्स हैं, लिम्ब्स क्या हैं, ये कोर के बाजू, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों जो कोर के बाजू हैं, दोनों जो कोर की लिम्ब्स हैं, विड्थ के अंदर कमी करने से ये क्या हो जाएंगी, करीब करीब आ जाएंगी। तो जब दोनों लिम्ब्स क्या होगी, एक दूसरे के करीब आ गई, तो इन लिम्ब्स के ऊपर क्या किया जाता है, वाइंडिंग को लपेटा गया होता है, जैसे कि आपको शक्ल के अंदर नज़र आ भी रहा है कि वाइंडिंग जो है वो लिम्ब के ऊपर लपेटी गई है, कोर के बाजू के ऊपर लपेटी गई है। तो दोनों लिम्ब्स के करीब आने से जो इनके ऊपर वाइंडिंग की जाएगी, बेसिकली वो क्या आ जाएगी, एक दूसरे के करीब आ जाएगी, उनके अंदर जो एयर गैप है, जो उनके अंदर फासला है, उसके अंदर कमी आएगी। तो इनके दरमियान एयर गैप कम होने से जो लीकेज फ्लक्स है वो भी कम होगा, क्योंकि एक वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो आसानी जो है वो दूसरी वाइंडिंग तक पहुंच पाएगा, उसके साथ जो है वो लिंक कर पाएगा। तो इस तरह ट्रांसफार्मर के लीकेज फ्लक्स में जो है वो कमी वाकया होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका है जी, अरेंजिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कंसेंट्रिकली, यानी कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जो है कंसेंट्रिक अंदाज में तरतीब देकर, उसको जो है मुर्तकिज अंदाज में तरतीब देकर जो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स है, जो लीकेज फ्लक्स है, उसमें कमी की जा सकती है। तो आमतौर पे क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की एक लिंब के ऊपर लपेटा जाता है। अगर हम सबसे पहली डायग्राम में जाएँ तो हमें नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये पहली लिंब है, ठीक है जी, और इसके ऊपर जो है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा गया है। इसी तरह जो दूसरी लिंब है इसके ऊपर ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको लपेटा गया है, यानी कि एक लिंब के ऊपर ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को लपेटते हैं और दूसरी लिंब के ऊपर जो है वो दूसरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। लेकिन कंसेंट्रिकली अंदाज में जब हम वाइंडिंग को तरतीब देते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि हर एक लिंब के ऊपर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर की हर लिंब पर, यानी कि इस पहली लिंब पे भी क्या किया जाएगा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लपेटा जाएगा। इसी तरह ये दूसरी लिंब पे भी जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाएगा। और ये किस तरह से किया जाता है, फर्ज करें कि प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स जो हैं वो 50 हैं, तो उसमें से 25 टर्न्स को क्या किया जाएगा, प्राइम जो एक लिंब है उसके ऊपर लपेटा जाएगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ब्लॉक्स की सूरत में जो है वो वाइंडिंग को ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पे जो जिन ब्लॉक्स के अंदर वन लिखा हुआ है उनसे मराद जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है जी, मैं इसको स्क्रीन पर हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको वन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये वन जो है ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ है ये प्राइमरी वाइंडिंग को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह जो दाएं जानब वाली लिंब है, दाएं जाने वाली जानब वाली लिंब पे भी आपको जो है दो ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, और इसके ऊपर भी जो है वो वन लिखा हुआ है। तो ये जो ब्लॉक जिनके ऊपर वन लिखा हुआ है ये प्राइमरी वाइंडिंग को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ किया जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी टोटल टर्न्स जो थी वो 50 थी, तो 25 टर्न्स को क्या किया, बाएँ जाने वाली लिंब पे लपेट दिया, और बाकी की जो 25 टर्न्स थी उसको क्या किया, दाएं जाने वाले लिंब्स पे लपेट दिया। इसके बाद क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर जो है वो इंसुलेशन लपेटी, उसको जो है वो आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया। फर्ज किया जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके जो है वो 100 टर्न्स हैं, तो 100 टर्न्स में से 50 टर्न्स को क्या किया जाएगा, दाएं जाने वाले लिंब पे लपेटा जाएगा, और बाकी की जो 50 टर्न है उसको क्या किया जाएगा, बाएं जाने वाली लिंब पे जो है वो लपेटा जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, वाइंडिंग्स जो हैं वो हर लिंब के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं।
ठीक है, नीचे प्राइमरी वाइंडिंग, इंसुलेशन, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी तरह दाएं जानब वाली लिम पे भी यही सूरत हाल है, नीचे प्राइमरी वाइंडिंग, इंसुलेशन और उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरह क्या हुआ है, इस तरह से कंसेंट्रिक अंदाज में वाइंडिंग को तरतीब देने से क्या हुआ है, वाइंडिंग के दरमियान जो फासला है, जो एयर गैप है, वो मिनिमाइज हो गया है, तकरीबन वो ज़ीरो के करीब आ गया है। तो क्योंकि दोनों वाइंडिंग्स के दरमियान जो एयर गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, वो मिनिमाइज हो गया है, इस तरह प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स बआसानी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर पाएगा। तो इस तरह से लीकेज फ्लक्स में जो है वो कमी वाकिया होगी। तो लीकेज फ्लक्स को कम करने का जो तीसरा तरीका है वो है बाय सैंडविचिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो है वो सैंडविच तरतीब देकर जो है लीकेज फ्लक्स को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सैंडविच तरतीब होती क्या है। सैंडविच तरतीब से मुराद है कि दो एक जैसी लेयर्स के अंदर तीसरी लेयर को रख देना, इसको हम जो है वो सैंडविच तरतीब का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जो खाने वाला सैंडविच है उसमें भी यही काम किया जाता है कि दो एक जैसी लेयर्स के अंदर जो है वो तीसरी लेयर को रखा जाता है। यानी कि दो ब्रेड्स के अंदर अगर हम क्या करें, अंडा रख दें या जैम रख दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो सैंडविच बन जाएगा। तो लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए जो वाइंडिंग्स हैं उसको भी जो है वो सैंडविच तरतीब में जो है वो वाइंड किया जाता है। तो सैंडविच तरतीब समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी जो टर्न्स हैं वो 100 हैं, तो इसको चार बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो चार बराबर हिस्सों में तकसीम कैसे करेंगे, 25-25 का इसका एक हिस्सा हो जाएगा, 25 × 4, यानी कि 25-25 के चार हिस्से होंगे तो 100 टर्न्स क्या होंगी, मुकम्मल हो जाएंगी। इसी तरह जो सेकेंडरी टर्न्स हैं वो फर्ज करें 50 हैं, इसके दो हिस्से करने हैं तो इसके दो हिस्से भी क्या बनेंगे, 25-25 के दो हिस्से बनेंगे, 25 को जो है वो अगर दो हिस्सों में किया जाए तो ये 50 बन जाएगा। तो सैंडविच तरतीब में क्या किया जाएगा, फर्ज करें यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है बाएं लिम के ऊपर, तो बाएं लिम के ऊपर हमें ब्लॉक्स के अंदर 1 और 2 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी मुर्तकिज तरतीब की तरह 1 से मुराद प्राइमरी वाइंडिंग है और 2 से मुराद जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, प्राइमरी वाइंडिंग का एक हिस्सा वाउंड किया गया है। तो प्राइमरी हिस्से वाइंडिंग का एक हिस्सा क्या है जी, 25 ट्रांस। तो 25 ट्रांस को क्या किया, लिम के ऊपर वाउंड किया, उसके बाद उसको आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका एक हिस्सा, वो भी क्या है जी, 25 ट्रांस, उसको जो है उसके ऊपर लपेटा गया। और लपेटने के बाद, सेकेंडरी टर्न्स को लपेटने के बाद जो है क्या किया जाएगा, उसको भी आइसोलेट किया जाएगा, और आइसोलेट करने के बाद जो प्राइमरी वाइंडिंग का एक और हिस्सा जो है उसको इसके ऊपर लपेट दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि अंदर भी प्राइमरी वाइंडिंग है, आप देख सकते हैं 1, और बाहर भी जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, और दरमियान में जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई, यानी कि बाहर भी प्राइमरी वाइंडिंग और अंदर भी प्राइमरी वाइंडिंग, और दरमियान में जो है आप देख सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग की क्या हो गई है, सैंडविच तरतीब हो गई, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी साइड पे जो है वो 50 टर्न्स जो हैं वो वाउंड हुई हैं, क्योंकि 25-25 का एक हिस्सा था, नीचे भी 25 टर्न्स वाउंड हुई, उसके बाद बाहर की जानब भी जो है वो 25 टर्न्स वाउंड हुई, जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसके भी 25-25 के दो हिस्से थे, तो दरमियान में सेकेंडरी वाइंडिंग के भी 25 टर्न्स हो, यानी कि आधी टर्न्स जो हैं वो एक लिम पे प्राइमरी वाइंडिंग की भी वाउंड होंगी और सेकेंडरी वाइंडिंग की भी वाउंड होंगी। तो यही तरतीब जो है वो सेकेंडरी साइड पे या दूसरी लिम पे भी की जाएगी, ठीक है जी। कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, 25 टर्न्स जो हैं वो प्राइमरी के लिम के ऊपर लपेटी जाएंगी, ठीक है जी, और उसको फिर आइसोलेट किया जाएगा, इंसुलेशन इसके ऊपर लपेटी जाएगी, उसके बाद सेकेंडरी का भी जो दूसरा हिस्सा है उसको लपेटा जाएगा और इसको आइसोलेट किया जाएगा, और इसके बाद प्राइमरी टर्न्स जो हैं इसको भी लपेटा जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, दो दो हिस्से जो प्राइमरी वाइंडिंग के थे उसको लपेट दिया गया,
दो हिस्से हमने बाएं लिंब पे लपेटे और दो हिस्से हमने दाएं लिंब पे लपेटे, तो प्राइमरी बाइंडिंग के चार हिस्से जो है वो पूरे हो गए, 100 टर्न्स जो है वो पूरी हो गई। और एक हिस्सा जो है, क्योंकि सेकेंडरी बाइंडिंग के टर्न्स के हमने दो हिस्से किए थे, तो इसका भी एक हिस्सा जो है हमने लपेट दिया हुआ है, तो सेकेंडरी टर्न्स भी जो है वो 50 पूरी हो गई। तो बात करने का मकसद यही है कि वाइंडिंग्स को जो है उसकी टर्न्स को इस हिसाब से जो है वो बांटा जाता है कि वो सैंडविच तरकीब में जो है तमाम लिम्स के ऊपर यकसा पूरी हैं। तो यहाँ पे भी क्या है जी, साइडों पे जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग है और दरमियान में जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो हर लिम के ऊपर जो है वाइंडिंग्स को जो है वो सैंडविच कर दिया। अब सैंडविच करने का फ़ायदा क्या हुआ, सैंडविच करने का फ़ायदा ये हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इनके दरमियान जो है एयर गैप कम हो गया है, इनके दरमियान जो है फासला कम हो गया है, तो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो आसानी के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर लेगा और फ्लक्स लीकेज के अंदर जो है वो कमी आएगी। मजीद आगे बढ़ते हैं, यूजिंग शेल टाइप कंस्ट्रक्शन के जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है या जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसको जो है वो शेल टाइप बनावट इस्तेमाल करके भी लीकेज फ्लक्स में जो है वो कमी की जा सकती है। हमने कोर के लिहाज से ट्रांसफार्मर्स की इकसाम पढ़ी थी, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है और शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ये जो हमें शक्ल के अंदर तरतीब नज़र आ रही है ये असल में शेल टाइप कोर की तरतीब है। कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसके कोर की जो है वो दो लिम्स होती हैं, लेकिन जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम आगे मज़ीद देखते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, कि जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है इसके कोर की जो है वो तीन लिम्स होती हैं। आपको यहाँ पे तीन लिम नज़र आएंगी, 1, 2 और 3। आपको दिखा देता हूँ जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसकी जो है वो सिर्फ दो लिम्स होती हैं। आपको यहाँ पे जो है इसकी दो लिम्स नज़र आएंगी, 1st और 2nd, ठीक है जी। तो अगर हम कोर टाइप की बजाय शेल टाइप बनावट इस्तेमाल करें तो शेल टाइप बनावट में क्या होता है कि जो वाइंडिंग होती है वो दरमियान वाले लिम के ऊपर की होती है, प्राइमरी वाइंडिंग को भी दरमियान वाले लिम पे लपेटते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी जो है वो दरमियान वाले लिम पे लपेटा जाता है। तो जिससे क्या होगा, क्योंकि दोनों वाइंडिंग्स जो हैं वो एक ही लिम के ऊपर हैं, तो दोनों वाइंडिंग के दरमियान जो है एयर गैप कम हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, फासला जो है वो कम होगा, जिससे प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो आसानी से सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर सकता है, जिसकी वजह से जो है लीकेज फ्लक्स में जो है जो कमी वाकया हो। तो उम्मीद है आज इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।